थे। देखो किसी भी आइसोटोप में न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो मिनिमम जीरो हो सकता है और मैक्सिमम टू हो सकता है। एन बाई पी का रेशियो यहीं से यहां तक वेरी करता है। और खास बात यह है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ट्रेटियम, राइट? यहां पर प्रोटॉन तीनों में 1 1 1 है, न्यूट्रॉन 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2। तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो यहां पे 0 by 1 0, यहां पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो 1 by 1 1 और यहां पर 2 by 1 2। तो मैक्सिमम 1:3 में आ गया और मिनिमम 1:1 में आ गया। प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन का रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका यहीं पे पता चल जाता है हाइड्रोजन के। अब एन बाई पी का जो रेशियो है वो लाइटर एलिमेंट के लिए जब 1 हो या नियरली 1 हो, 1 के नजदीक हो तो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जनरली। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कल हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेबल न्यूक्लियाई का डिस्कस कर रहे थे, बस उन्हीं की हम बात कर रहे। मोस्ट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन की संख्या क्या तो प्रोटॉन के बराबर होती है लाइटर न्यूक्लियाई में जो कि स्टेबल होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। तो यहां पे एन बाई पी का रेशियो 1 हो गया, यहां पे एन बाई पी का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई में अप टू एटॉमिक नंबर 20 यानी कि कैल्शियम तक जनरली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, नॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। और उससे बड़े जो हैं, उससे ज्यादा एटॉमिक, उनमें स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप हो सकते हैं, कुछ के न्यूक्लियाई स्टेबल, कुछ के न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं भी हो सकते हैं। तो हैवियर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, वैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, ये तो ऑब्जर्व डेटा है, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अट्रैक करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल भी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिर्फ प्यार का संदेश लेके आते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस। प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन के साथ कुछ रिपल्सन भी है। तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन जितने ज्यादा हो उतनी ही अच्छी बात है इन कंपेरिजन ऑफ प्रोटोन। तो देखो हैवियर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1 है फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, नॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सही बात है, न्यूक्लियर फोर्सेस भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं। अब इसी चीज को हम जो ऑब्जर्व डेटा है हमने देखा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्टेबल न्यूक्लियाई होने की। दोनों ओड है तो प्रोबेबिलिटी लिस्ट है, हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी 60% प्रोबेबिलिटी, 2% प्रोबेबिलिटी, नियर अबाउट 2% प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैं ये वाला जो ग्राफ है ये आप फिजिक्स में भी देखते हो, केमिस्ट्री में भी देखते हो, सबका सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इधर वाई एक्सिस पे, यहां पर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर ही होता है और क्या, एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, पर एक एलिमेंट के एक एटॉमिक नंबर के कोरस्पोंडिंग आइसोटोप कई हो सकते हैं, हर आइसोटोप का अलग अलग न्यूक्लियाई है क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, इसलिए आइसोटोप कई सारे हो सकते हैं एक जेड के लिए। अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच लूं
जो 45 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के साथ, तो यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई है। दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ना, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एन इज इक्वल टू पी वाली लाइन हो गई है। तो वाई इज इक्वल टू, वाई आपका एन है और एक्स आपका पी या जेड है, एन बाई पी इज इक्वल टू वन वाली लाइन हो गई। इस तरह ये ऐसे चलते चली जाएगी, 45 डिग्री के ऊपर एंगल है। अब मैं सारे स्टेबल न्यूक्लियाई को देखूं तो उससे एक स्टेबिलिटी बेल्ट बनती है, जेड इज इक्वल टू 20 तक जैसे ऑब्जर्व डेटा आपका बोलता है, फिर मैं जेड इज इक्वल टू 84 ऑनवर्ड्स तो रेडियो एक्टिविटी रखते हैं, 83 तक मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे कहीं पे 83 आ जाएगा। तो देखो यहां पर जो ग्राफ है, मैं इस लाइन को थोड़ा थिक कर देता हूं, एन बाई पी रेशियो इक्वल टू 1 है। बाकी आगे अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन जहां पे एन बाई पी इक्वल टू 1 है ना, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो लाइन यही है, एन इज इक्वल टू पी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर बड़ा होता चला जाता है, एटी थ्री के बाद, तो ये पूरा इस ये एक बेल्ट बना दी मैंने, है ना, जो मैं डार्क कर रहा हूं उसको स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं ना। अब स्टेबिलिटी बेल्ट में जितने आइसोटोप आएंगे वो तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट एक एक आइसोटोप को बताता है। यहां पे इस ग्राफ में एन वर्सेस पी ग्राफ में एक पॉइंट एक आइसोटोप को बताता है, क्योंकि एक पॉइंट में न्यूट्रॉन फिक्स होगा और प्रोटॉन की वैल्यू फिक्स होगी एन और पी दोनों की, खास एन और पी के लिए, चाहे वो आइसोटोप एग्जिस्ट करे या ना करे, चाहे नेचुरल एग्जिस्ट करता हो या फिर आर्टिफिशियल आइसोटोप हो या फिर हो ही नहीं, पर एक पॉइंट ग्राफ में तो एक आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट, अब इनफाइनाइट आइसोटोप तो है नहीं सारे एलिमेंट मिलाकर भी, तो सारे पॉइंट के क्रोस्पॉन्डिंग आइसोटोप नेचुरल या फिर मैनमेड किसी भी तरह के हैं, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, सभी पॉइंट के क्रोस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते। तो इस स्टेबिलिटी बेल्ट में भी कुछ पॉइंट हैं, अब मैं बोलूं ये दोनों हैं, अगर मैं ये तीन आइसोटोप हैं तो ये तीन आइसोटोप पक्का एक ही एलिमेंट के होंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर है तो जेड की वैल्यू सेम है, एक एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू एक ही होती है, तो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप है। अगर तीन पॉइंट में हॉरिजॉन्टल ले लूं, ऐसे मान लो तीनों आइसोटोप ही एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं बोलूंगा ये तीनों अलग अलग एलिमेंट के हैं, लेकिन तीनों के जेड अलग अलग हैं और अलग अलग एलिमेंट के लिए जेड अलग अलग होता है। तो एक बिंदी एन वर्सेस पी ग्राफ में एक आइसोटोप को बताती है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी बेल्ट। अगर आप देखो दिस इज अ स्टेबिलिटी बेल्ट सारे आइसोटोप्स को, तो यहां पर एन बाई पी रेशियो 1 है, थोड़ा उधर जाएंगे, थोड़ा इस
इस स्ट्रेट लाइन एन बाई पी वन वाली लाइन के नीचे रहेंगे तो एन बाई पी रेशियो लेस देन वन होगा, इसके ऊपर रहेंगे स्ट्रेट लाइन के एन बाई पी ग्रेटर देन वन होगा। तो ये सारी स्टेबिलिटी बेल्ट, ये पॉइंट एन बाई पी ग्रेटर देन वन का है, ये पॉइंट एन बाई पी लेस देन वन का है, और ये पॉइंट एन बाई पी इक्वल टू वन का है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये सारे एन बाई पी ग्रेटर देन वन वाले हैं। इस स्ट्रेट लाइन के एन बाई पी इज इक्वल टू वन वाली स्ट्रेट लाइन के नीचे ये सारे पॉइंट के ऊपर एन बाई पी रेशियो लेस देन वन है, क्वाइट ऑब्वियसली, इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। और ये एन बाई पी इज इक्वल टू वन वाली लाइन है, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर वाले पार्ट में जो भी न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरल या सिंथेटिक, मैं तो नेचुरल आइसोटोप की बात कर रहा हूँ इस ग्राफ में, मैनमेड आइसोटोप की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, है ना, नेचुरल जो स्टेबल है। तो यहां पर एन बाई पी ग्रेटर देन वन है सभी में, देखो इसके ऊपर सारी स्टेबिलिटी बेल्ट इधर है। तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए क्या है, एन बाई पी एटोमिक नंबर 20 तक, थोड़ा और ऊपर जाएं तो यहां पे क्या होगा 1/2, फिर 1.5 लाइक दिस, इस तरह मैक्सिमम एन बाई पी रेशियो आपका 2 हो सकता है। तो 1.5 समथिंग इसी के नियर अबाउट स्टेबल आइसोटोप का एन बाई पी रेशियो होता है, 0 से 2 के बीच में एन बाई पी रेशियो, इसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी बेल्ट या रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी रीजन, और जोन ऑफ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी जोन, है ना, सब नाम दिए जाते हैं इस बेल्ट को। तो इससे एक बेल्ट बनी, एक लाइन नहीं बनी है ना, मैं ऐसे ऊपर से ऐसे लाइन भी बना सकता था तिरछी, पर वो लाइन है नहीं एक्चुअल में ऑब्जर्व डेटा से, इस तरह बेल्ट बनती है। इससे क्या समझ में आता है कि एक एलिमेंट के कई आइसोटोप स्टेबल हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, इसलिए बेल्ट बनानी पड़ी। सेम जड़ के लिए एक एक ज्यादा आइसोटोप स्टेबल हो सकते हैं, सिंपली मींस दैट अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो दिस इज द स्टेबिलिटी बेल्ट। तो हैवियर एलिमेंट के लिए एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन वन होता है स्टेबिलिटी के लिए, लाइटर एलिमेंट के लिए कैल्शियम तक एन बाई पी रेशियो वन होता है, नियरली वन, और 83 से ज्यादा तो आइसोटोप रेडियो एक्टिविटी रखते हैं, तो स्टेबिलिटी बेल्ट में उसको दिखा नहीं रहे हम लोग। दिस इज द स्टेबिलिटी, जो डेटा हमने कल देखा था उसी को मैंने ग्राफिकली रखा है, मैंने कोई थ्योरेटिकल ग्राफ नहीं बनाया, मैंने तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड ग्राफ बनाया है ताकि उसी डेटा को ग्राफिकली आप दूसरी तरीके से समझ पाओ, नथिंग स्पेशल इन इट। तो इस ग्राफ से क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि एक एलिमेंट के कई आइसोटोप स्टेबल हो सकते हैं, हैवियर एलिमेंट के लिए एन बाई पी रेशियो स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए ग्रेटर देन वन होता है, और लाइटर एलिमेंट कैल्शियम तक के एन बाई पी रेशियो वन है, ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी बेल्ट में जनरलाइज सभी केसेस, दुनिया का हर केस इसमें इंक्लूड हो गया हो इस ग्राफ में, ऐसा नहीं है, बट जनरलाइज जो स्टेबिलिटी बेल्ट है वो मैंने बनाया है आपके लिए ना। अब देखो मैं बोलूंगा अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, के कैप्चर, पॉजिट्रॉन डीके, न्यूट्रॉन डीके, बहुत तरह के रेडियो एक्टिव डीके हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। कुछ डीके में एन बाई पी रेशियो बढ़ता है, कुछ डीके में एन बाई पी रेशियो कम होता है, और कुछ डीके में एन बाई पी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीटा डीके की बात करूं, बीटा डीके की बात करूं, बीटा या बीटा नेगेटिव दोनों बीटा डीके को बताते हैं। तो होता क्या है, बीटा डीके अगर हम करें तो बीटा डीके में एन बाई पी रेशियो कम हो जाता है। अगर हम पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, चार्ज अपोजिट होता है, बाकी मास बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन का बराबर होता है, ये पॉजिट्रॉन हो गया। पॉजिट्रॉन का संधि विच्छेद करो तो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन, उसी से इसका मतलब समझ में आ जाता है, बीटा पॉजिटिव। के कैप्चर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके है, अल्फा डिके इन सब में हम लोग देखेंगे कि एन बाई पी रेशियो आपका इंक्रीज हो जाता है, एन बाई पी रेशियो इंक्रीज हो जाता है। गामा डिके में एन बाई पी रेशियो
अनचेंज रहता है। तो इधर वाले न्यूक्लियाई होंगे जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर हैं, तो उनमें एन बाई पी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी बेल्ट के हिसाब से होगा 1.2 हो, 1.3 हो, 1 हो, कुछ भी हो, जो भी उस पर्टिकुलर जेड के लिए होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होगा। तो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं बोल रहा मैं, स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर, अबव स्टेबिलिटी बेल्ट जो न्यूक्लियाई होंगे तो उनको एन बाई पी रेशियो कम करना होगा स्टेबिलिटी बेल्ट में आने के लिए, तो वो बीटा डीके में जाएंगे। इस स्टेबिलिटी बेल्ट के जो राइट साइड है, राइट साइड मतलब इधर, उनको भी एन बाई पी रेशियो अपना बढ़ाना है, वो अल्फा डीके में जाते हैं। और जो बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट है इधर वाले में, वो पॉजिट्रॉन डीके में जाते हैं, क्योंकि एन बाई पी रेशियो बढ़ाना है। एज वेल एज पॉजिट्रॉन डीके में नहीं जा पाते तो लास्ट में ऑप्शन होता है उनके पास के कैप्चर में जाएं। वैसे पॉजिट्रॉन डीके और के कैप्चर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में सेम चेंज होता है, पर टाइप ऑफ डीके अलग है, टाइप ऑफ डीके अलग है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, बताओ बीटा डीके में कौन जाता है, जिनका एन बाई पी रेशियो, एन बाई पी रेशियो बीटा डीके में एन बाई पी रेशियो घटता है, तो किसका घटेगा, जो अबव स्टेबिलिटी बेल्ट होंगे, अबव स्टेबिलिटी बेल्ट होंगे, जो बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट होंगे उनमें पॉजिट्रॉन डीके के कैप्चर, क्योंकि इन दोनों डीके से एन बाई पी रेशियो बढ़ता है ताकि स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ, स्टेबल आइसोटोप की तरफ वो जा पाए, स्टेबिलिटी बेल्ट में फोल्ड कर पाए। एक बार स्टेबल हो गया तो फिर फर्दर क्यों डीके होगा, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया ही डीके होगा। अब हो सकता है बीटा डीके में एन बाई पी रेशियो इतना घट जाए कि डायरेक्टली वो स्टेबिलिटी बेल्ट में ना आकर नीचे आ जाए इधर, फिर उसको अल्फा डीके या फिर अगर मैं बात करूं अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा, ये तो नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके हैं। पॉजिट्रॉन डीके के कैप्चर, ये नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके, कॉमन नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके नहीं है, ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव आइसोटोप में पाए जाने वाले डीके हैं मोस्ट कॉमनली। तो अल्फा डीके हो गया, ये बीटा डीके हो गया। तो अगर हम बात करें तो फिर बीटा डीके से डायरेक्टली इधर आ गया, फिर वो अल्फा डीके में जाएगा, अल्फा डीके से डायरेक्टली ये स्टेबिलिटी बेल्ट को फिर क्रॉस कर गया तो फिर बीटा डीके में जाएगा। तो ऐसा होता रहेगा, मान लो पहले बीटा डीके हुआ या स्टेबिलिटी बेल्ट में एन बाई पी रेशियो घट के नहीं आया, यहां आ गया तो फिर अल्फा डीके में जाएगा, नेचुरल रेडियोएक्टिव है, तो फिर मान लो उसका एन बाई पी रेशियो बढ़ेगा, वो डायरेक्टली इधर नहीं आया स्टेबिलिटी बेल्ट में, वो स्टेबिलिटी बेल्ट से फिर ऊपर निकल गया, फिर बीटा डीके होगा, फिर नीचे निकल गया, जब तक फाइनल स्टेबिलिटी बेल्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका स्टेबल आइसोटोप है पर्टिकुलर जेड के लिए वहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक डीके होता रहेगा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, इसको सीरीज ऑफ डीके होते रहते हैं, अल्फा डीके बीटा डीके फिर अल्फा 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 लगातार भी हो सकते हैं बीटा बीटा, और इस सीरीज ऑफ डीके को हम रेडियोएक्टिव डीके सीरीज या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज बोलते हैं। रेडियोएक्टिव डीके सीरीज और सीरीज ऑफ डीके को फाइनल स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएंगे तो आपका एन बाई पी रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ गया, स्टेबल आइसोटोप बन गया पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो आपका काम हो जाएगा। तो कौन सा डीके स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी बेल्ट के बिलो लाई करने पे होता है, अबव राइट साइड ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट, अल्फा डीके जनरली प्रॉपर्टी ऑफ हैवी न्यूक्लिया, ये देखो इधर मैंने राइट साइड ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट बोला तो हैवी न्यूक्लिया अपने आप समझ में आ गया। ओके, ये सब मैंने जो डिस्कस किया, अब मैं टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके की बात करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं कुछ पार्टिकल्स की जो आपको रेडियोएक्टिव डीके में काम आते हैं, अल्फा तो पार्टिकल है, अल्फा रे भी बोलते हैं पार्टिकल, या फिर पैकेट ऑफ एनर्जी की बारात को ही रे बोलते हैं, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की बारात है, अल्फा पार्टिकल की बारात अल्फा रे है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है सब लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है, पर हमें ये जो +2 चार्ज है हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे दिखाओगे, वैसे हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अल्फा पार्टिकल ऐसे होता है, पर हम वो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से जो चार्ज आया उसको न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई मतलब नहीं रखता, हमें उस चार्ज से कोई मतलब नहीं, हमें न्यूक्लियस से मतलब है।
तो इसका जो चार्ज है वो दो प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो +2e है, मास 4 amu है, आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन के लिए अल्फा पार्टिकल खूब यूज किया है। बीटा पार्टिकल होता है उसका कुछ रेस्ट मास होता है, पार्टिकल का रेस्ट मास होता है, फोटोन तो रेस्ट में रहते ही नहीं है, उनका रेस्ट मास आप लोग सोचते हैं कि रेस्ट मास का कोई मतलब नहीं है। हीलियम न्यूक्लियस फिजिक्स में पढ़ते हो। बीटा पार्टिकल को हम कैसे डिनोट करेंगे, बीटा पार्टिकल को हम ऐसे डिनोट करेंगे या बीटा पार्टिकल को ऐसे भी डिनोट करेंगे, बीटा या फिर बीटा या फिर बीटा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इसका जो चार्ज है वो -e यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। -e की वैल्यू सब लोग जानते हैं, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम या 4.8 × 10⁻¹⁹ esu, e की वैल्यू ये है आपकी 4.8 × 10⁻¹⁹। बीटा पार्टिकल को आप इस तरह डिनोट करोगे, बीटा पार्टिकल को आप इस तरह डिनोट करोगे। इसका मास तो वही इलेक्ट्रॉन वाला ही मास है, बीटा पार्टिकल का चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वर्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहने वाले पार्टिकल का है और बीटा पार्टिकल तो न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस तो अलग ही दुनिया की चीज हो गई, न्यूक्लियर प्रोसेस तो अलग ही दुनिया की चीज हो गई। तो व्हाट आई मीन टू से, न्यूक्लियर प्रोसेस की चीज है तो बीटा पार्टिकल का चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते क्योंकि उसका जन्म न्यूक्लियस से हुआ। ये न्यूक्लियर साइंस की दुनिया की चीज है, उसका नाम वो नहीं रहेगा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, पर चार्ज और मास सेम है, इसलिए इसका नया नाम दिया गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बीटा पार्टिकल। ओके, तो बीटा पार्टिकल का इस तरह डिनोट करेंगे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते टाइम हरदम। एक होता है बीटा पार्टिकल जितना ही चार्ज और मास होता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है, तो बीटा पार्टिकल का चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिटिव बोलो, ये बीटा नेगेटिव है, ये पॉजिट्रॉन हो गया। पॉजिट्रॉन का चार्ज और मास भी, पॉजिट्रॉन का चार्ज और मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये जीरो क्यों लिख दिया इसके मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बीटा पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल है, तो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जीरो ही लिखेंगे। ठीक है, पॉजिट्रॉन डिके, बस चार्ज क्या हो गया, -1 से +1 हो गया, तो इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसको तोड़कर लिखो याद हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज और मास है बट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पर ये न्यूक्लियर प्रोसेस का पार्टिकल है। तो इस तरह आप पॉजिट्रॉन को डिके करो, पॉजिट्रॉन डिके में पॉजिट्रॉन को आप इस तरह दिखाओगे। मैं बोलूं प्रोटोन को कैसे दिखाओगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन को आप जिस तरह प्रोटियम का या फिर 1p1 ऐसे दिखाओ, प्रोटॉन को आप इस तरह दिखाओगे। ये सब आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं सिंबोलिकली, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बीटा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, पॉजिट्रॉन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग चार्ज तो जीरो, मास उसका 1 amu होता है, 0 and 1 से लिखते हैं न्यूट्रॉन को, ये सबको पता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह न्यूट्रॉन को लिखोगे आप, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव डिके, सब में आप इस तरह लिखोगे न्यूट्रॉन। अब मैं अगर गामा की बात करूं, गामा रेस, गामा तो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर चार्ज थोड़ी ना होता है कुछ, और रेस्ट मास भी उसका जीरो, हम रेस्ट मास लिख रहे हैं, तो गामा लिखो या फिर गामा ऐसे 0 0 लिखो भाई, ऊपर ऊपर का किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ऊपर ऊपर का दोनों साइड बैलेंस करो, नीचे नीचे के नंबर दोनों साइड इक्वल करो, बैलेंस करो, यही बैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। गामा रेज है ना, गामा को आप इस तरह डिनोट करोगे। न्यूट्रिनो ऐसे लिखो या फिर कुछ भी नहीं लिखते तो यहां पर 0 0 लिखो। एंटी न्यूट्रिनो बार लगा दो,
गामा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर बैलेंसिंग करते टाइम भी जीरो कंट्रीब्यूशन होगा, नीचे बैलेंसिंग करते टाइम भी जीरो कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब पार्टिकल है जिनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान होना चाहिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ही बीटा डीके होता है तो एंटी न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है, जैसे ही पॉजिट्रॉन डीके होता है तो न्यूट्रिनो भी उसके साथ डीके होता है। न्यूट्रिनो का मास एंटी न्यूट्रिनो का मास नेग्लिजिबल होता है, इस तरह बीटा का और पॉजिट्रॉन का होता है। पॉजिट्रॉन डीके में न्यूट्रिनो डीके भी होता है, न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है बीटा के साथ जस्ट। ओके, अब हम टाइप ऑफ डीके, ये तो सबके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, मॉडर्न फिजिक्स में किस तरह आप यूज करोगे, इनके सिंबल सभी को याद होने चाहिए। यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द सिंबल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब मैं टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके की बात करता हूं, द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर छोटे-छोटे क्वेश्चन। टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ये टॉपिक है, बड़ा सिंपल है। रेडियो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे पहले वाला केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही सिंपल चैप्टर होता है, कुछ होता नहीं है इनमें। इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन अलग है, इट्स वेरी सिंपल। इससे पहले वाला ये आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस में इन सब का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ध्यान होना चाहिए, वैसे ही पहचानना होगा। तो टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी बैंड से देखें कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लाइंग अबव स्टेबिलिटी बेल्ट, बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट और राइट ऑफ स्टेबिलिटी जोन और स्टेबिलिटी बेल्ट, उस हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं या एन बाई पी रेशियो के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके आप जनरली पढ़ते हो, आपके लिए जो रिक्वायर्ड है। तो टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके में आप अल्फा डीके पढ़ोगे, बीटा डीके पढ़ोगे, आप लोग पॉजिट्रॉन डीके पढ़ोगे, के कैप्चर प्रोसेस, के सेल को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है, खा जाता है, के कैप्चर प्रोसेस। फिफ्थ इज गामा डीके, ये सब टाइप ऑफ डीके। अब किस में एटॉमिक नंबर को क्या फर्क पड़ेगा, मास नंबर को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर न्यूक्लियस के पर्टेनिंग टर्म्स हैं। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस इज मास नंबर, वो न्यूक्लियस वाले पैरामीटर है, न्यूक्लियस वाले पैरामीटर है। कोई भी जेड एक्स ए ऐसे लिखो या जेड एक्स ए अलग अलग साइड जेड और ए लिखो, ये कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हमारी, कैसे लिखते हैं दोनों वैसे समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो जेड एक्स ए ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मास नंबर है, प्रोटॉन तो 1, 2, 3 इस तरह रहेंगे, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ए माइनस जेड से निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन अभी निकालेंगे, ये हो गया। तो ये हो गया दूसरा नंबर मास नंबर, ये हो गया पहला नंबर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जो आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो जीरो भी हो सकते हैं, जैसे प्रोटियम में जीरो है, बाकी इंटीजर, और ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, मास नंबर इज पॉजिटिव इंटीग्रल में। अब मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलूं, न्यूट्रॉन नंबर बोलूं,
तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड से आ जाएगा। एक और होता है आइसोटोपिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, वो ए माइनस टू जेड होता है। इसी को मैं न्यूट्रॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या लिख सकता हूं। कैसे, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। इसको कैसे लिख लो, ए माइनस जेड माइनस ऑफ जेड, ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप एन माइनस पी। एन माइनस आइसोटोपिक नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है न्यूट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। जैसे प्रोटियम में करो तो ए माइनस टू जेड करोगे तो वन माइनस टू माइनस वन आ गया आइसोटोपिक नंबर। ड्यूटेरियम के लिए करोगे तो ए माइनस टू जेड, ए की वैल्यू टू है, जेड की वैल्यू वन है, तो जीरो आ गया ड्यूटेरियम के लिए। ट्राइटियम के लिए क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस टू जेड, ए की वैल्यू आपकी थ्री है और टू मल्टीप्लाइड बाई वन, जेड की वैल्यू वन है, तो पॉजिटिव आ गया। यहीं से देख सकते हो। तो आइसोटोपिक नंबर, ये सब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड आइसोटोपिक नंबर, चारों नंबर है, किसी को यूनिट डायमेंशन होती नहीं है, सिंपल नंबर है, इनको आप ध्यान रखें, है ना, ये सब काम आते रहेंगे हमें। अल्फा डिके की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। अल्फा डिके फर्स्ट, सब डिके में कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अल्फा डिके, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा डिके, अल्फा डिके जनरली किन न्यूक्लियाई में होता है। अच्छा, मैं अल्फा डिके की बात नहीं करता हूं, मैं वैसे केस वाइज डिवाइड कर लेता हूं। केस वन ले लेते हैं, तीन केस में डिवाइड कर लेते हैं, जो एन बाई पी स्टेबिलिटी बेल्ट के हिसाब से। केस वन, इफ एन बाई पी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज ग्रेटर देन एन बाई पी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी बेल्ट और रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल न्यूक्लियर। एन बाई पी रेशियो जो स्टेबल होने के लिए चाहिए, उससे अब एन बाई पी रेशियो ज्यादा है, यानी कि स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है, तो किस तरह का डिके होगा, आप लोगों को पता है किस तरह का डिके होगा, बीटा डिके होगा, बीटा पार्टिकल का निकलेगा। बीटा पार्टिकल होता है माइनस वन ए जीरो। अब बीटा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू कन्वर्जन ऑफ वन न्यूट्रॉन टू वन प्रोटॉन। पहला स्टेटमेंट लिखो, चार्ज एंड मास, मास मतलब रेस्ट मास, चार्ज एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल आर सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन। चार्ज एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल, मास नेग्लिजिबल है, चार्ज एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल आर सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के टर्मिनोलॉजी है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी बीटा पार्टिकल, चार्ज और मास सेम है, ठीक है। अब देखो, लिखो, बीटा एमिशन इज इक्वल टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। जब एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है एन बाई पी जो भी था, तो एन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा एक बीटा डिके में, तो डिनोमिनेटर बढ़ा, न्यूमरेटर तो एन बाई पी की रेशियो कुल मिलाकर घट जाएगी। तो अबव स्टेबिलिटी बेल्ट में एन बाई पी रेशियो ज्यादा है, उसको बटाना है, तो बीटा डिके इज वन वे टू रेड्यूस द एन बाई पी रेशियो। तो बीटा डिके इज इक्वल टू कन्वर्जन ऑफ वन न्यूट्रॉन टू वन प्रोटॉन। कैसे, देखो इधर, ये है एक प्रोटॉन है ये, तो बताओ ऊपर ऊपर का समेशन दोनों साइड जीरो, यहां पे वन है, यहां पे वन प्लस जीरो तो वन हो गया, और नीचे नीचे का समेशन यहां पे जीरो है यहां पे वन है, तो क्या करूं मैं, माइनस वन, ये क्या होता है माइनस वन जीरो वाला, यही तो बीटा पार्टिकल होता है। इसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, वो आपको पता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा डिके में हुआ क्या कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, एक बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो एन बाई पी रेशियो घटेगा, क्योंकि न्यूमरेटर घटा डिनोमिनेटर बढ़ा, तो एन बाई पी रेशियो घटेगा। तो लिखो, इन बीटा डिके एन बाई पी रेशियो डिक्रीजेस,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन बीटा डीके एन बाई पी रेशियो डिक्रीजेस, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखते चले। अब आपको तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन सोचनी है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कार्बन 14 डेटिंग में जो कार्बन 14 रेडियो न्यूक्लियाई होता है वो बीटा डीके में जाता है, तो मैं बोलूंगा कि एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो आपको बताओ मुझे खुद बताओ यहां पर जो एलिमेंट बनेगा वो कौन सा होगा और उसका कौन सा आइसोटोप होगा। बड़ा सिंपल, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में एक ही काम करना है, ऊपर ऊपर का समेशन बराबर, यहाँ 14 है यहाँ 0 है तो यहाँ 14 वाला कोई आएगा, यहाँ 6 है या -1 है तो यहाँ 7 वाला कोई आएगा। 7 एटॉमिक नंबर बोलते ही नाइट्रोजन कोई भी सोच लेता है। तो जो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डीके में जाता है तो वो बीटा डीके में जाता है और कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग हो उसमें भी कार्बन 14 कार्बन 12 दोनों है, हर एनिमल हर प्लांट में है, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन 14 कार्बन 12 है, अपर कॉस्मोस में नाइट्रोजन कार्बन 14 में कन्वर्ट होता रहता है बाय न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, और हमारी बॉडी में जो कार्बन 14 है वो बीटा डीके में जाता रहता है। तो इस तरह कार्बन 14 डेटिंग की पूरी प्रोसेस है वो हम कार्बन 14 डेटिंग में समझेंगे। तो आज एक कोई एनिमल डेड हो गया तो आज तो कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशियो वही होगा, क्योंकि कार्बन 14 कार्बन 12 आता भी रहता है बॉडी में और कार्बन 14 डिके भी होता रहता है यानी कि जाता भी रहता है, तो जितना इनटेक है उतना ही डिके में चला जाता है। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी एनिमल में किसी प्लांट में वो फिक्स है, नेचर कीप्स बैलेंस। लेकिन जिस दिन कोई एनिमल और प्लांट डेड हो गया, एनिमल का बोन सैंपल ले लो और प्लांट का वुड सैंपल ले लो, कुछ सालों बाद कार्बन 14 मान लो एक्स ग्राम था, कार्बन 12 एक्स ग्राम था और कार्बन 14 वाई ग्राम था, कुछ सालों बाद उसी वुड सैंपल उसी बोन सैंपल में कार्बन 12 को कुछ नहीं होने वाला, प्रोवाइडेड वुड और बोन सैंपल इंटैक्ट है, बिल्कुल सेफ है। तो कार्बन 12 तो अभी भी एक्स ग्राम होगा टी इयर्स के बाद, लेकिन कार्बन 14 वाई ग्राम पहले था तो अब वाई से कम ग्राम होगा, क्योंकि कार्बन 14 तो डिके होता रहेगा, उसको थोड़ी मतलब है मैं उस बोन में हूं जो एक चलते फिरते एनिमल में घूम रही है, मैं उस वुड के पार्ट में हूं जो एक हरे भरे पेड़ में है या फिर डेड में है, उनको कोई मतलब नहीं है, कार्बन 14 डिके होता रहेगा। जब लिविंग में था तब भी डिके हो रहा था, तो कार्बन 14 जिस दिन कोई भी एनिमल प्लांट ऊपर वाले को प्यारा हुआ उसके कुछ सालों बाद, कार्बन 14 डेटिंग ये नहीं बताती कोई एनिमल और प्लांट का जन्म टी इयर्स पहले हुआ, इसको बिल्कुल नहीं बताती। कार्बन 14 तो मृत्यु तिथि बताती है, किस दिन उसकी डेथ हुई एनिमल और प्लांट की, उसका बहुत लंबा टाइम होगा तो अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन बता देगा, डेथ एनिवर्सरी बता सकती है, बर्थ एनिवर्सरी नहीं बता सकती कार्बन 14 डेटिंग। ये मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। अब ये हो गया तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 6 से 7 एक बढ़ा और मास नंबर उतना का उतना है, तो बीटा डीके में पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में एटॉमिक नंबर 1 से 1 बढ़ जाता है और मास नंबर उतना का उतना रहता है बीटा डीके में। मैं बोलूंगा फॉस्फोरस 32 बीटा डीके में जा रहा है तो बताओ कौन डॉटर एलिमेंट होगा, बताओ उसके बारे में। अरे ऊपर ऊपर का समेशन बराबर 32 प्लस 0 32 और इधर भी 32 15 या -1 है तो 16 करेंगे तो तभी तो दोनों साइड 15 होगा, तो फॉस्फोर से सल्फर। फॉस्फोर कौन सी ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 15 में, ये ग्रुप नंबर 16 में, ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 15 में, यानी कि जेड की वैल्यू जनरलाइज में बोलू कोई पेरेंट एलिमेंट है जेड एक्स ए, उसका डॉटर एलिमेंट वाई बना और बीटा डीके में गया, तो ऊपर ऊपर का समेशन बराबर करो, नीचे नीचे का समेशन बराबर करने के लिए मुझे जेड प्लस 1 और इधर -1 है तो जेड तभी बैलेंस होगा, यस और नो, एंटी न्यूट्रिनो साथ निकल गया। तो ये बीटा डीके की जनरल इक्वेशन है, दिस इज बीटा डीके जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन।
आपको क्या समझ में आया? बस ये ध्यान रखना है कि बीटा डीके में पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में जड़ की वैल्यू पेरेंट से डॉटर में जाते टाइम एक से बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर, तो ग्रुप नंबर 12 था तो डॉटर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट ग्रुप नंबर 12 में था ग्रुप नंबर 13 में हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 में था ग्रुप नंबर 15 में हो जाएगा, ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है पेरेंट से डॉटर एलिमेंट पे बीटा डीके में। एक ग्रुप टुवर्ड्स राइट इन पीरियोडिक टेबल डॉटर एलिमेंट का होता है इन कंपैरिजन ऑफ पेरेंट एलिमेंट। हाँ, नोबल गैस हुआ और वो बीटा डीके में जा रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर एक मतलब एल्कली मेटल में आ जाएगा क्योंकि वहां तो पीरियोडिक टेबल का एंड हो गया, पर इन जनरल बोले तो वन ग्रुप टुवर्ड्स राइट ग्रुप डिस्प्लेस हो जाएगा बीटा डीके में। और बताओ एन बाई पी रेशियो का क्या वैल्यू हो जाएगी? इधर एन बाई पी रेशियो बढ़ेगा वो तो पहले समझ चुके हैं। बताओ एक न्यूट्रॉन कम हुआ एक प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन एक बढ़ा तो जेड एक से बढ़ेगा ना यार, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीटा डीके में क्या हो, एक न्यूट्रॉन गायब हुआ उसकी जगह एक प्रोटॉन आ गया साथ में बीटा निकल गया, तो न्यूट्रॉन एक कम हुआ और प्रोटॉन एक बढ़ा तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या तो उतनी रहेगी मास नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन कम हुआ एक से तो प्रोटॉन एक से बढ़ गया एक बीटा डीके में। मैं आपको बोलूं एटॉमिक नंबर का क्या होगा, अरे भाई न्यूट्रॉन तो एटॉमिक नंबर बताता ही नहीं है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी ना कुल मिलाकर एक तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ेगा, समझ में आता है सीधा सीधा एन बाई पी रेशियो इंक्रीज होगा। कैलकुलेट कर लेके देख लीजिए एन बाई पी रेशियो, वैसे ही हम समझ चुके हैं पहले, यस और नो? तो ये आपका तो जनरल इक्वेशन बीटा डीके की ये आप ध्यान रखें, जेड की वैल्यू एक से बढ़ती है और लिखो पोजिशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज वन पोजिशन टूवर्ड्स राइट इन कंपैरिजन ऑफ पेरेंट एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सर एक बार रिपीट कर दो स्टेटमेंट, सोडी फजान्स ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो, कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप तो सॉरी फ्रेंड ग्रुप नंबर कैसे चेंज हुआ, ग्रुप नंबर 1 था तो 2 हो गया, ग्रुप नंबर 11 था तो 12 हो गया, ग्रुप नंबर 12 था तो 13 हो गया, ग्रुप नंबर 15 था तो 16 हो गया, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस का है तो फिर ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, वो बात अलग है। तो लिखो पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट बीटा डीके के लिए बोल रहा हूं किस तरह ग्रुप डिस्प्लेस हुआ डॉटर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट। पोजिशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इज वन पोजिशन टूवर्ड्स राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वन पोजिशन टूवर्ड्स राइट, बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं तो एक डब्बा आगे सरका दो, वन पोजिशन टूवर्ड्स राइट यानी कि एटॉमिक नंबर एक से बढ़ा दो, वन पोजिशन टूवर्ड्स राइट विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस तरह ग्रुप चेंज हो जाता है डॉटर एलिमेंट। बीटा पार्टिकल आर आइडेंटिफाइड एज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, बीटा पार्टिकल आर आइडेंटिफाइड एज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल लॉस हो जाना ही बीटा डीके होता है, राइट? अब मैं केस टू लेता हूं, सोडी फजांस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ तो हम सब जगह डिस्कस करते रहेंगे बार बार, अब मैं केस टू लेता हूं, केस टू इफ किसी रेडियो न्यूक्लियाई का एन बाई पी स्टेबिलिटी बेल्ट में जितना चाहिए एन बाई पी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी उससे कम है तो अब तीन डिके हो जाएंगे, कौन सा, अल्फा डिके, सेकेंड इज अब अच्छा पूरे डिके में डिके एक डिके तो हम कर चुके हैं, ये दूसरा डिके हो जाएगा, तीसरा डिके पॉजिट्रॉन डिके एन बाई पी रेशियो उसमें बढ़ता है, और चौथा डीके उनमें भी एन बाई पी रेशियो बढ़ता है, वो है के कैप्चर प्रोसेस, के कैप्चर प्रोसेस, राइट? अल्फा डीके बीटा डीके के कैप्चर प्रोसेस, ये तीनों है। और केस थ्री हो गया जब एन बाई पी न्यूक्लियर एनर्जी तो ज्यादा है स्टेबिलिटी तो कम है इतनी होनी चाहिए उससे, लेकिन एन बाई पी रेशियो उतना ही है, न्यूट्रॉन प्रोटोन की संख्या में कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है तो फिर गामा डीके करवा देंगे, क्योंकि गामा डीके में ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है रेडियो न्यूक्लियाई का, तो वहां पर एनर्जी एनर्जी कम करनी है बस, तो एक्साइटेड न्यूक्लियस को एनर्जी रेड्यूस, सिर्फ एनर्जी रेड्यूस करना है एटॉमिक नंबर मास नंबर बिना चेंज किए, तो एक तरीका है गामा डीके हमारे पास,
जो एक्साइटेड न्यूक्लियस उसको मेटास्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं ना, यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मेटास्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, हाईली अनस्टेबल एनर्जेटिक है ना। तो हम बात करते हैं अब अल्फा डीके की। अल्फा को कैसे दिखाते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में, 2He4 ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, अल्फा इमिशन अल्फा डीके। तो पहला पॉइंट तो आप जानते ही हो, मैनी एलिमेंट्स जनरली उनमें होता है हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 यानी कि राइट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट। मैनी एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 ब्रैकेट में लिखो राइट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट, राइट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट, राइट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो अल्फा इमिशन, अंडरगो अल्फा डिके, अल्फा डिके। तो एन बाई पी रेशियो उनका बड़ा होता है, देखो है ना, एक बार रिपीट कर दो। Many elements having atomic number greater than 83. मैंने ये नहीं बोला कि lighter element में alpha decay नहीं होगा, पर generally alpha decay उनमें होता है। Many elements having atomic number greater than 83. Stability belt में देखो तो वो right side of stability belt आ जाता है। Having atomic number greater than 83 bracket में लिखो right of stability belt। N by P वाले ग्राफ में राइट साइड ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट आ रहा है, राइट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो अल्फा डिके, अंडरगो अल्फा डिके। देखो अल्फा डिके में मैं जनरल इक्वेशन लिखूं, पेरेंट एलिमेंट ये है, अब अल्फा डिके हो रहा है तो ये तो निकल ही रहा है, ये तो अल्फा पार्टिकल है, तो डॉटर एलिमेंट बताओ, डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मास नंबर कैसे चेंज हो जाएगा। ये 2 है, इधर जेड है, तो मुझे नीचे नीचे का समीशन बराबर करना है, तो जेड माइनस 2 पक्का होगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में बार बार चलता रहेगा, ऊपर ऊपर का समीशन बराबर, नीचे नीचे का समीशन बराबर। ए माइनस ये 4 है तो इधर ए माइनस 4 करूंगा, तो ए माइनस 4 प्लस 4 भी ए और रिएक्टेंट साइड भी ये होगा, ऊपर ऊपर का समीशन। तो एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है और मास नंबर भी चेंज हो रहा है, ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखें। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तभी तो जेड इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 4, 2He4 में। तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन का लॉस होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, जेड से जेड माइनस 2। अब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स का 4 का 4 कम हुए तो मास नंबर 4 से कम होगा, इसलिए ए से ए माइनस 4 हो गया, सीधा समझ सकते हो अल्फा पार्टिकल मतलब लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ये सब नो, अल्फा पार्टिकल मतलब लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। जेड की वैल्यू जब 1.5 और उसके नियर अबाउट होती है, बड़ी जेड की वैल्यू होती है, तो जनरली अल्फा डीके ऑब्जर्व किया जाता है, अल्फा डीके ऑब्जर्व किया जाता है, जैसा कि हमने स्टेबिलिटी बेल्ट में देखा, जनरली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। तो लिखो इन अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट लिखो, पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोडायफर्स, ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, जिनमें जेड डिफरेंट हो ए डिफरेंट हो पर आइसोटोपिक नंबर ए माइनस टू जेड या एन माइनस पी सेम हो, उसी को हम आइसोडायफर्स बोलते हैं। अच्छा बताओ, बीटा डीके में पेरेंट और डॉटर एलिमेंट का आइसोटोप आइसोबार क्या रिलेशन था, पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट मास नंबर सेम बट एटोमिक नंबर डिफरेंट, ऐसे को पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर
आइसोबार्स ऑफ ईच अदर इन बीटा डीके जो हम पढ़ चुके हैं, और यहां पर आइसोडाइफर है अल्फा डीके। ठीक है, देखो अल्फा डीके मीन्स लॉस ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। दो प्रोटॉन का लॉस तो जेड दो से घट जाएगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन टोटल चार न्यूक्लियॉन्स का लॉस तो मास नंबर चार से घट जाएगा। मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें अल्फा डीके में मास नंबर चार से घटता है और बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं हो रहा था। अल्फा डीके में जेड दो से घटता है और बीटा डीके में जेड एक से बढ़ रहा था, जेड से जेड प्लस वन हो जा रहा था डॉटर एलिमेंट का। अगर मैं बोलूं कि अल्फा डीके में पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट क्या होगा, देखो अगर ये ग्रुप नंबर 16 में है तो ग्रुप नंबर 14 में आ जाएगा एक्स और वाई, यानी कि टू पोजिशन टूवर्ड्स लेफ्ट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर ये ग्रुप नंबर 18 में है तो ग्रुप नंबर 16 में आ जाएगा डॉटर एलिमेंट, क्योंकि एक जेड घटा तो 18 से 17 ग्रुप नंबर में आएगा, पर यहां दो से घटा तो 16 ग्रुप नंबर में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट सोडी फजांस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार क्या बोलेंगे हम, इन बीटा डीके पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इज टू पोजिशंस, पोजिशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इज टू पोजिशंस टूवर्ड्स लेफ्ट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टू पोजिशंस टूवर्ड्स लेफ्ट ब्रैकेट में लिखो विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट, उसी से कंपेयर कर रहे हैं क्या, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट टू पोजिशंस टूवर्ड्स लेफ्ट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोडाइफर्स, ये सब पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव आपको काम आएंगे। अब मैं पेरेंट एलिमेंट यूरेनियम 92-238 लिख देता हूं, ये अल्फा डीके में जाता है तो बताओ डॉटर एलिमेंट क्या बनेगा। मान लीजिए पोलोनियम है, पोलोनियम 84 और इसका आइसोटोप 210 वाला ले लेता हूं, मान लो ये अल्फा डीके में जाता है तो डॉटर एलिमेंट कौन होगा बताओ। लेड है आपका 204 वाला, लेड के बहुत सारे आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर तो लेड का फिक्स है, ये अल्फा डीके में जाता है तो बताओ डॉटर एलिमेंट कौन होगा। बताओ 92 से 90 हो गया, 90 किसका होता है बताओ यार जल्दी से, 238 से 234 हो जाएगा प्लस अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। अब यहां पे अल्फा डीके वैसे ही दिखा दिया तो यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर चार से घटाओ मास नंबर, दिस इज थोरियम, 84 से 82 हो जाएगा, 82 होगा इधर और यहां पे 206 हो जाएगा, 82 तो लेड का होता है, दिस इज लेड प्लस अल्फा पार्टिकल और निकल जाएगा इधर, तो वो तो वैसे ही दिखा रखा है। ठीक है, माइनस अल्फा डीके, माइनस अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, 82 से 80 तो Hg का होता है, मरकरी का होता है और 200 हो जाएगा अल्फा डीके में, तो डॉटर एलिमेंट दे रखा है पेरेंट एलिमेंट। मैं आपसे जस्ट अपोजिट पूछूं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बताओ अल्फा डीके के बाद ये डॉटर एलिमेंट है तो पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, तो जब डॉटर से पेरेंट चलोगे तो जेड माइनस टू से जेड करना है, यानी कि दो से बढ़ाना है एटॉमिक नंबर, तो ये 92 करना है, ए माइनस फोर से बढ़ाकर ए लेकर जाना है तो 238 करना है, 92 बोलते यूरेनियम सबको याद आ जाता है, तो आपको डॉटर एलिमेंट से पेरेंट एलिमेंट भी लिखना आना चाहिए और पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट भी लिखना आना चाहिए, अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन डीके के कैप्चर सभी टाइप ऑफ डीके में दोनों तरफ आपको मूव करना आना चाहिए, इसलिए मैं इसको बॉक्स में रख रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट इनसाइड बॉक्स, कि ए को क्या फर्क पड़ता है और जेड को क्या फर्क पड़ता है, राइट ये मैं अल्फा डीके की बात कर रहा था। अब मैं आ जाता हूं पॉजिट्रॉन डीके, पॉजिट्रॉन डीके पॉजिट्रॉन डीके लिखो, पॉजिट्रॉन डीके इज मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड
with artificial radioactive nuclei. स्टेटमेंट लिखो किस में कॉमनली होता है, पहले मैं बता चुका हूं, पॉजिट्रॉन एमिशन इज मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड विथ आर्टिफिशियल, यानी कि नॉट नेचुरल, है ना, नेचुरल में भी हो सकता है पर मेनली आर्टिफिशियल का बीटा डीके है. पॉजिट्रॉन डीके इज मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड विथ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और आइसोटोप्स बोल दो ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, अंडरलाइन लाइटर एलिमेंट्स. जैसे ही कॉमनली विद हैवियर एलिमेंट की बात करूंगा तो बीटा डीके की जगह बीटा पॉजिटिव डीके की जगह के कैप्चर आ जाएगा. बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर दोनों का एक ही काम है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट. बीटा डीके का काम क्या था, एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करना. पॉजिट्रॉन डीके बीटा और बीटा पॉजिटिव डीके या के कैप्चर दोनों काम क्या है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दो. एक प्रोटॉन कम हो गया तो हेड की वैल्यू 1 कम होगी. एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कम एक कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, तो पॉजिट्रॉन डीके में और के कैप्चर दोनों में एक की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे बीटा डीके में भी एक की वैल्यू सेम थी. बस अल्फा डीके में एक की वैल्यू चेंज हो रही है सीधी बात. अभी तक जो कॉमन 5 टाइप ऑफ डीके के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और किसी तरह की डीके भी हो सकती है. मैंने बोला कि 5 तरह की डीके आपको काम आएंगी, न्यूट्रॉन डीके भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स कैन बी देयर, बट व्हाट इज यूजफुल फॉर अस, आप कुछ भी लिख लोगे, बहुत आसान चीज है. ऊपर ऊपर का समीशन, नीचे नीचे का समीशन बराबर कर दो दोनों साइड. तो बीटा डीके बीटा पॉजिटिव डीके इज कॉमनली विद लाइटर एलिमेंट, इसमें होता है स्टेबिलिटी बेल्ट में, न्यूक्लियाई लाइन बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट के लिए पॉजिट्रॉन डीके और के कैप्चर होता है. लेकिन पॉजिट्रॉन डीके लाइटर न्यूक्लियाई की जनरल प्रॉपर्टी है और के कैप्चर हैवियर न्यूक्लियाई की जनरल प्रॉपर्टी है. तो पॉजिट्रॉन डीके पॉजिट्रॉन पार्टिकल को इस तरह सबसे पहले सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन पहली चीज है. देखो प्रोटॉन है उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है, सीधी बात है. तो ऊपर ऊपर का समीशन बराबर करो 0, नीचे नीचे का समीशन बराबर करो +1, यही तो पॉजिट्रॉन है. साथ में न्यूट्रिनो भी निकलेगा, उसको छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं. तो प्रोटॉन एक गायब हो गया तो जेड की वैल्यू 1 से घटेगा, जेड से जेड -1 होने वाला है. प्रोटॉन ए से ए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन एक कम हुआ तो न्यूट्रॉन एक बढ़ा. ये सब नो, न्यूट्रॉन एक बढ़ा. तो बीटा डीके और के कैप्चर दोनों में एक ही काम होता है. अगर आपको ये भी नहीं था प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस में कन्वर्ट हुआ तो कोई बात नहीं, आप सीधा बीटा पॉजिटिव का पॉजिट्रॉन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानते हो ना, तो वैसे ही काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का. जेड एक्स है, बहुत ही आसान चीज है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स कुछ ज्यादा ही आसान चीज होती है. जेड ए, इसलिए किसी बच्चे के क्वेश्चन गलत नहीं होते. ये हो गया, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू किसी भी टॉपिक में लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी बढ़ाया जा सकता है, पर इन जनरल अगर हम बोले समझने की बात में प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को. कैलकुलेशन दूसरी चीजें, दैट इज ऑल टू द डिफरेंट थिंग. जेड तो मुझे क्या निकालना है, पॉजिट्रॉन, है ना. तो यहां जेड है, यहां +1 है, तो क्या करूंगा, नीचे नीचे का समीशन बराबर करने के लिए, यहाँ ए है यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा ए. तो ये क्या हो गए एक दूसरे के साथ, पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट बीटा डीके में भी आइसोबार थे, इधर भी आइसोबार है, के कैप्चर में भी आइसोबार होंगे, बस बीटा डीके में आइसोडाइफर्स थे एक दूसरे के, आइसोटोप आइसोबार आइसोडाइफर्स, ये सब तो न्यूक्लियर साइंस के टर्म्स है, न्यूक्लियर साइंस के टर्म्स. तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन एक कम हो गया इसलिए जेड की वैल्यू एक कम होगी, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है. प्रोटॉन कम हुआ तो न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, तो एक की वैल्यू सेम है पहले और बाद में. एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम, उसे ही आइसोबार बोलते हैं, ठीक है, आइसोबार बोलते हैं, वेरी इजी. तो ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर बार भी आएगा,
क्या हुआ? म्यू के ऊपर बार भी है। कहां पर? ना पॉजिट्रॉन डिके में न्यूट्रिनो के ऊपर बार नहीं आता, एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर बार आता है, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आपको काम नहीं आएगा, फिजिक्स में काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में। इसके अंदर न्यूट्रिनो होता है। हाँ, पॉजिट्रॉन डिके में न्यूट्रिनो और बीटा डिके में एंटी न्यूट्रिनो ना। अब मैं कुछ पेरेंट एलिमेंट, ये इतना ध्यान है तो आप बस लिख लो, इन पॉजिट्रॉन डिके फर्स्ट पॉइंट एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, कुछ की पॉइंट्स लिख लो, इन पॉजिट्रॉन डिके एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, सेकेंड पॉइंट मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड बट एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन। ये मास नंबर एटॉमिक नंबर किसमें कितना चेंज होता है, ज्यादातर यही काम आता है क्वेश्चन में। मास नंबर रिमेन सेम एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन, किसका? डॉटर एलिमेंट का, इन कंपैरिजन ऑफ पेरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन डिके इज इक्वलेंट टू कन्वर्जन ऑफ वन प्रोटॉन टू वन न्यूट्रॉन, वो भी हम देख चुके हैं, उसी की वजह से तो एटॉमिक नंबर एक से कम हुआ। वो तो लिख ही चुके हो, लाइटर न्यूक्लियाई की पॉजिट्रॉन डिके आर्टिफिशियल लाइटर न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी है जनरली। मैं कुछ लाइटर न्यूक्लियाई जो पॉजिट्रॉन डिके में आपको जाते हुए दिखाई देंगे, 8 of 15, ये आपको याद नहीं करना, ये तो मैं जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जल्दी से मान लो ये पॉजिट्रॉन डिके में जा रहे हैं, जाते हैं पॉजिट्रॉन डिके में, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर कौन कौन जाएंगे, ऐसे याद करने चलोगे तो याद ही नहीं कर पाओगे कभी, दिस इज नॉट फिजिबल फॉर अस। कुछ कुछ जो काम आएंगे ध्यान रह जाएंगे। तो एक न्यूक्लियाई है, या एटम बोलो या न्यूक्लियाई बोलो, एक ही बात है, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। तो बताओ अगर ये पॉजिट्रॉन डिके में जा रहे हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हो बीटा पॉजिटिव चाहे तो, है ना, पॉजिट्रॉन डिके में जा रहे हैं तो डॉटर एलिमेंट कौन होगा, जल्दी से लिखो सब फटाक देसी। तो सबको याद है जेड की वैल्यू एक से घटानी है तो 7 हो गई, और यहां 15 का 15 रहेगा, यहां क्या हो गया, एक घटाना है तो 5 हो गया, 11 का मास नंबर सेम, यहां जेड की वैल्यू एक घटानी होती है मास नंबर सेम, जेड की वैल्यू एक घटानी होती है मास नंबर सेम, बताओ क्या हो गया, 18 एटॉमिक नंबर बोलते ही पोटासियम लिख दोगे, 6 बोलते ही कार्बन लिख दोगे, 5 बोलते ही बोरोन लिख दोगे, 7 बोलते ही नाइट्रोजन अपने आप लिख दोगे, सब एटॉमिक नंबर तो याद है ही आपको, नॉट ए बिग डील, दिस इज नथिंग बट पॉजिट्रॉन, एक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। लास्ट आर्गन आएगा सर। डन, एग्जाम्पल है, नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं नोट करना चाहो नहीं नोट करो, तो जस्ट प्रैक्टिस की। तो पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट भी लिखना आना चाहिए आपको, ऐसा भी करना आना चाहिए, मैं बोलूंगा कि ये बीटा डीके में गया, बताओ पेरेंट एलिमेंट क्या था, तो मुझे पता है जेड माइनस वन और रिएक्टेंट साइड होता है जेड प्लस जेड, जेड एक से बढ़ता है डॉटर से पेरेंट एलिमेंट में जाए तो 6 होगा, 6 बोलते ही कार्बन कोई भी लिख देगा और मास नंबर सेम रहता है, तो पेरेंट से डॉटर एलिमेंट लिखना आना चाहिए हर टाइप के डीके में, और डॉटर से पेरेंट एलिमेंट लिखना आना चाहिए, दोनों तरफ से लिखना आना चाहिए, और जल्दी जल्दी जितना लिखोगे आसान चीज है, लिख ही लोगे उतना ही जल्दी जल्दी इस तरह के छुटपुट छुटपुट क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो कर पाओगे, बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में सब, राइट। फोर्थ हो गया आपका एन बाई पी रेशियो बढ़ाने का, तीसरा तरीका और टोटल नंबर ऑफ डीके में, फोर्थ के कैप्चर प्रोसेस। के कैप्चर प्रोसेस प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं है, के कैप्चर, के सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आई लव यू, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, है ना, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, ये ऑर्बिट नंबर है। के सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या बोलेगा, बोलेगा आई लव यू। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, ये क्या करेगा, अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ताकत कैसी है, अट्रैक्शन की। तो जेड बड़ा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पॉजिटिव होगा, हैवियर न्यूक्लियाई होगा तो ये ऐसा करने में काबिल होगा। छोटा मोटा न्यूक्लियर चार्ज तो खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, खींचना है अपने अंदर ले जाना है उसको खींचकर, तो अट्रैक्शन तगड़ा होना चाहिए। तो के कैप्चर प्रोसेस इज जनरली द प्रोसेस ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई, एंड पॉजिट्रॉन डिके इज जनरली द प्रोसेस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। जब कोई हैवियर न्यूक्लियाई पॉजिट्रॉन डिके में नहीं जा पाता, के कैप्चर इज, लेट मी पुट इन डिफरेंट वे, के कैप्चर बहुत रेयर फिनोमिनन है, के कैप्चर जनरली नहीं होती है। जब एन बाई पी रेशियो कम है तो एन बाई पी रेशियो बढ़ाना है, वो तो सभी में ही है, पॉजिट्रॉन डिके के कैप्चर अल्फा में एन बाई पी रेशियो में बढ़ता है। और पॉजिट्रॉन डिके नहीं हो पाता है क्योंकि पॉजिट्रॉन डिके के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी न्यूक्लियस के पास नहीं है, तो फिर के कैप्चर जैसी रेयर फिनोमिना होती है। हालांकि के कैप्चर और पॉजिट्रॉन डिके दोनों का नेट कंक्लूजन एक ही है, एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, जेड की वैल्यू, एक प्रोटॉन कम हो गया तो जेड माइनस वन हो जाती है, चाहे वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को खाए न्यूक्लियस या फिर पॉजिट्रॉन डिके करे न्यूक्लियस। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को के सेल के इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, फिर इससे कुछ और प्रोसेस जनरेट हो जाएंगी, ये हैवी न्यूक्लियाई में। अब मुझे बताओ ई एन टू माइनस ई एन वन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा जेड होगा, क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। 13.1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी ले लें तो भी क्या होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन वन एन टू तो सेम है, जेड अलग करके देखते हैं, तो जिसका जेड बड़ा होगा उतना ही ई एन टू माइनस ई एन वन में, आप सिर्फ मॉडुलस देखो जेड बाहर आ जाएगा, जिसका जेड बड़ा उसका ई एन टू माइनस ई एन वन बड़ा, तो जिसका जेड बड़ा उसका सेम एन टू से एन वन में एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी गैप, ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन निकलता है। जैसे के सेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो के अल्फा होगा, के अल्फा ट्रांजिशन मतलब एल से एम में ट्रांजिशन होना, के बीटा ट्रांजिशन मतलब एम से के में ट्रांजिशन होना, के में तो ये हो गया के अल्फा, ये हो गया के सेल में, उसके दूर से आया तो के बीटा, के गामा, इस तरह चलता रहेगा। अब क्या होगा कि ये जो ई थ्री माइनस ई वन है, ई टू माइनस ई वन है, जो ये ट्रांजिशन होंगे ये हैवी न्यूक्लियर, इसलिए काफी ज्यादा एनर्जी होगी और ये एनर्जी एक्स रे वाली होती है, क्योंकि एक्स रे काफी एनर्जेटिक रेडिएशन होती है हैवी न्यूक्लियाई में। जैसे ही के कैप्चर प्रोसेस होती है, एक्सरे का एमिशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ हैवियर न्यूक्ली। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, अब मैं लिखता हूं, देखो इधर, अब न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन क्या बोलेगा आने वाले के सेल को इलेक्ट्रॉन को, ये के सेल इलेक्ट्रॉन है, ये बीटा पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखें दोनों का सिंबल एक ही है, इलेक्ट्रॉन का भी और बीटा पार्टिकल, तो ऊपर ऊपर का समेशन बराबर, नीचे नीचे का समेशन या वन माइनस वन जीरो, तो इधर भी जीरो, ये क्या हो गया वन प्लस जीरो वन हो गया, साथ में एक्सरे भी निकल जाएंगी, वो तो एक्सर न्यूक्लियर पार्ट में के अल्फा के बीटा ये सब ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे इसलिए निकलेंगे, बट इट इज एसोसिएटेड विद इट, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में गेम चलता रहेगा एक्स-रे का, है ना। तो एक प्रोटॉन कम हो गया जेड से, जेड माइनस वन हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियो, तो ए सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियो सेम रहेगा। देखो के कैप्चर में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, हो रहा है, और
पॉजिट्रॉन डिके में भी यही कन्वर्ट हो रहा था, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन यही हो रहा था, पर वहां में पॉजिट्रॉन निकल रहा था, यहां पे के सेल का इलेक्ट्रॉन खा रहा है न्यूक्लियस, दैट इज द डिफरेंस। पर नेट कंक्लूजन सेम है, जेड की वैल्यू एक से घटेगी, एक की वैल्यू सेम रहेगी चाहे के कैप्चर। तो राइट डाउन के कैप्चर प्रोसेस की अगर हम बात करें, लिखो फर्स्ट पॉइंट, के कैप्चर कॉमनली अकर्स विद हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर एलिमेंट, हैवियर न्यूक्लियाई commonly occurs with heavier, सब डिस्कशन हो चुका, लिखने का काम कर लो, heavier nuclei। Second point लिखो, K capture is very rare phenomenon, very rare phenomenon। It occurs when n by p ratio is low, वो तो सभी के लिए ही है। It occurs when n by, वो तो common condition होगी, n by p ratio is low, किससे low, जितना stability के चाहिए उससे comparison, n by p ratio is low and nucleus has insufficient energy, and nucleus has insufficient energy for positron decay, for positron decay, for positron decay, insufficient energy for positron decay, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सरेज आर एमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोबार्स। अब लिखता हूं मैं जनरल इक्वेशन, ये एक्सरे के बाद क्या कहा, एक्सरे के बाद कौन सा पॉइंट बोला आपने, किसके बाद, एक्सरे रेज एक्सरे के बाद नेक्स्ट पॉइंट था एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस इन के कैप्चर प्रोसेस। लास्ट पॉइंट क्या बोला था बताओ बच्चों, पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोबार्स ऑफ इच अदर, है ना। तो ये पेरेंट एलिमेंट है। अब जो K सेल का इलेक्ट्रॉन खाया तो रिएक्टेंट साइड लिखेंगे ना यार, ये क्या है, K सेल इलेक्ट्रॉन है, ये बीटा पार्टिकल नहीं है, K कैप्चर में K सेल का, इसका न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है। तो क्या होगा बताओ, Z है इधर -1 आया तो Z-1 आएगा, सीधी बात है, ऊपर A 0 तो ऊपर A आएगा, तो ये कोई नया एलिमेंट है जब एटोमिक नंबर ही चेंज हो गया। तो बीटा डीके में भी यही हो रहा था, पॉजिट्रॉन डीके में, बीटा डीके में जेड से जेड प्लस वन बन रहा था, फर्क था। एक्सरे का एमिशन एसोसिएट करेगा इसको। तो ये जनरल न्यूक्लियर चेंज है जो आपको ध्यान रखना है, और क्या, कोई खास चीज है नहीं। लास्ट केस 3, इफ एन बाई पी ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई इज इक्वल टू एन बाई पी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, तो इसमें फिफ्थ टाइप का डीके, गामा डीके। ना इसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ये तो पैकेट ऑफ एनर्जी है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटम है। गामा डीके इज सेकेंडरी रेडियोएक्टिव डीके। अल्फा एंड बीटा डीके आर प्राइमरी रेडियोएक्टिव डीके। अल्फा डिके होने के बाद न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा है, पर एन बाई पी रेशियो सही है स्टेबिलिटी के लिए, तो गामा डिके हो जाता है, यानी कि इट इज इन एसोसिएशन विद अल्फा डिके। या बीटा डिके हो जाए उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा है, एक्साइटेड न्यूक्लियस है, तो उसको एनर्जी कम करने के लिए गामा डिके करनी पड़ेगी, सिर्फ पैकेट ऑफ एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो मेटास्टेबल न्यूक्लियर, अल्फा डीके बीटा डीके के बाद भी न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा रहे तो उसको न्यूक्लियस की एनर्जी कम करनी, एटॉमिक नंबर मास नंबर एन बाई पी रेशियो चेंज नहीं करना, तो गामा डीके इज द वे। तो गामा डीके में ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है, गामा डीके में क्या बोलूंगा, जेड एक्स ए, ये स्टार लगा देता हूं, ये मेटास्टेबल न्यूक्लियस है। क्या है, मेटास्टेबल न्यूक्लियस, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, मेटास्टेबल न्यूक्लियस, है ना, मेटास्टेबल न्यूक्लियस।
गामा है तो गामा तो जीरो जीरो होता है, तो ये भी एटॉमिक नंबर वही रहेगा, मास नंबर ये रहेगा, पर स्टार नहीं लगा रहा क्योंकि एक्साइटेड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, इस न्यूक्लियस की एनर्जी लोअर एनर्जी पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी से बस इतना ही फर्क है। जब न्यूक्लियर एनर्जी अलग हो तो रेडियो एक्टिविटी भी किसकी ज्यादा रहेगी, स्टार वाले की ज्यादा होगी, ज्यादा रेडियो एक्टिव ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी वो सब है। तो इनको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर आइसोमर्स, यानी कि सेम एलिमेंट के सेम आइसोटोप के दो अलग अलग स्टेट, एक में न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा दूसरे में न्यूक्लियर एनर्जी कम, एक का हाफ लाइफ पीरियड, जिसकी न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा उसका हाफ लाइफ पीरियड कम होगा, तुरंत डिके हो जाएगा, और जो ज्यादा स्टेबल उसका हाफ लाइफ पीरियड, तो डिके कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिके, ये सब चीजें अलग रहेंगी, न्यूक्लियर एनर्जी अलग रहेगी, हाफ लाइफ मीन लाइफ अलग रहेगी, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पैरामीटर्स अलग रहेंगे न्यूक्लियर आइसोमर्स में। देखो, इफ आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशंस, इफ आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशंस रिजल्टेंट न्यूक्लियाई स्टिल हैव हायर एनर्जी लेवल, स्टिल हैव हायर एनर्जी लेवल, सर रिपीट कर, इफ आफ्टर अल्फा और बीटा डिके डॉटर न्यूक्लियाई स्टिल हैव हायर एनर्जी, हायर एनर्जी मतलब रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी से ज्यादा, हायर एनर्जी देन गामा डिके टेक्स प्लेस, दैट इज अ सेकेंडरी डिके, गामा डिके टेक्स प्लेस, एटॉमिक नंबर सेकेंडरी डिके, अल्फा एंड बीटा डिके आर प्राइमरी डिके, गामा एमिशन इज सेकेंडरी डिके, इट इज इन एसोसिएशन विद प्राइमरी डिके, अल्फा और बीटा डिके के एसोसिएशन में होता है, ये सेकेंडरी डिके है गामा डिके नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके में। यानी कि जब अल्फा और बीटा डिके होता है तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और उस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को कम करने के लिए, न्यूक्लियस अपनी एनर्जी कम करने के लिए गामा डिके करता है। तो ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव में लिखे हुए मिलेंगे ऐसे कैसे, मैं बोलूंगा ड्यूरिंग, लिख लो ऐसा स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ड्यूरिंग अल्फा एंड अल्फा और बीटा एमिशंस, ड्यूरिंग अल्फा एंड बीटा एमिशंस nucleus goes to excited state and when it returns to normal state gamma emission takes place ठीक है। अब मैं कंक्लूड कर देता हूं, यहां मैं नेचर ऑफ डिके लिख रहा हूं, यहां पर मैं जेड को क्या फर्क पड़ेगा वो लिख रहा हूं, यहां पे एक को क्या फर्क पड़ेगा वो लिख रहा हूं, और यहां पर रिलेशन लिख रहा हूं कि आइसोमेरिक रिलेशन है, आइसोटोपिक रिलेशन है, क्या है न्यूक्लियर आइसोमर है, क्या है, मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांच डिके की मैं बात कर चुका हूं जो कॉमनली आपके क्वेश्चन में काम आते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, अल्फा डिके बीटा डिके पॉजिट्रॉन डिके के कैप्चर एंड गामा डिके। बताओ अल्फा डीके में जेड की वैल्यू माइनस टू से कम हो जाती है, इसमें जेड की वैल्यू प्लस वन से बढ़ जाती है, इसमें माइनस वन से घट जाती है, इसमें वन से घट जाती है डॉटर की पेरेंट से, इसमें चेंज ही नहीं होती। एक की वैल्यू सिर्फ अल्फा डीके में चार से घटती है डॉटर एलिमेंट की टेम्परेचर, बाकी सब में एक की वैल्यू चेंज होती है जीरो से, यानी कि मास नंबर सिर्फ अल्फा डीके चेंज हो रहा है। आपको काम आने वाली जो डीके है, इसमें पेरेंट और डॉटर एलिमेंट का क्या रिलेशन था, आइसोडायफोर्स, और इन तीनों में क्या रिलेशन था, आइसोबार्स,
इसमें क्या रिलेशन था, न्यूक्लियर आइसोमर्स थे। इसमें तो पेरेंट और डॉटर एलिमेंट बोल ही नहीं सकते, एक ही एलिमेंट है, पर एक ही एलिमेंट के अलग अलग एनर्जी लेवल वाले न्यूक्लियस हो, अलग अलग रेट ऑफ डिके हो, अलग अलग न्यूक्लियर एनर्जी हो, अलग अलग हाफ लाइफ हो ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, अलग अलग मीन लाइफ हो, अलग अलग डिके कॉन्स्टेंट हो, तो हम लोग बोलेंगे वो न्यूक्लियर आइसोमर्स है। कंक्लूजन ये है, इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पूरे टेबल से, कंक्लूजन से। तो दिस इज द कंक्लूजन जिसको हम क्वेश्चन में, एक मैं बस लास्ट करवा देता हूँ, न्यूट्रॉन डिके। सर मैथ की क्लास हो गया, एक मिनट रुक जाओ। न्यूट्रॉन डिके इसमें क्या बताऊं, न्यूट्रॉन तो सबको पता है, नहीं बताऊंगा तो भी बता सकते हो कोई भी, मुझे बताओ। मान लो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं अपने मन से, ये है, ये न्यूट्रॉन डिके में जा रहा है, तो बताओ डॉटर एलिमेंट कौन होगा, कुछ बताना ही नहीं है, नीचे नीचे का समेशन बराबर, तो एलिमेंट तो वही रहेगा के आर, एटोमिक नंबर वही है, पर मास नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 87 तो इधर 86 प्लस 187, सिंपल है। तो कोई जेड एक्स ए है, ये क्या बन जाएगा, एक्स ही एलिमेंट बनेगा, जेड ए का क्या हो जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा और न्यूट्रॉन निकल जाएगा न्यूट्रॉन डिके में। तो न्यूट्रॉन डिके में भी मास नंबर चेंज होता है अल्फा डिके की तरह, पर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। बताओ मुझे क्या हो गए, क्या आइसोटोप बोल सकता हूं पेरेंट और डॉटर को, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, एक एलिमेंट के होते हैं, मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर, तो आइसोटोप बनेंगे एक दूसरे के, रहेंगे आइसोटोप न्यूट्रॉन डिके में। न्यूट्रॉन डिके आपके काम का नहीं है, ये किसी के लिए लिख सकते हो जनरल, किसी भी तरह के डिके आपको पता है। ओके ओके गाइस, तो टाइप ऑफ डिके हो गया, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टाइप ऑफ डिके के ऊपर, टाइप ऑफ डिके के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे एक चीज ध्यान रखो सब जगह, ऊपर ऊपर का न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रेडियोएक्टिव डिके कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस है, ऊपर ऊपर का समीशन दोनों साइड बराबर करो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, और नीचे नीचे का समीशन बराबर करो, एक ही मूल मंत्र है और कुछ खास नहीं, वही बार बार यूज कर रहे हो आप लोग, दैट्स ऑल डन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, लेट अस स्टॉप हियर।